हिमाचल की बाकी खबरें आपको सुपर फास्ट अंदाज में बताते हैं। सोलन के नगर परिषद कार्यकाल ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगाई वाटर एटीएम मशीनें, शहरवासियों व्यवसायियों को मिलेगा अच्छा और स्वच्छ पानी। हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस पर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक। हिमाचल में बढ़ रहा नशे का कारोबार, हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक गोपी शर्मा ने कहा सीमा पार पाकिस्तान से भी हो रहा नशे का तस्करी। सोलन में विकास को पा रहा विभागों में आपसी तालमेल। धर्मशाला में बेरोजगारी कम करने को लेकर अलग अलग जगहों पर हो रहा कैंप का आयोजन, कैंप में सरकार की ओर से योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। नूपुर की बेटी ने राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक, शबीना बेगम ने माता पिता को दिया जीत का श्रेय। नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर बड़ा हादसा, 300 फीट गहरी खाई में लुढ़का ट्रक, चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल। नूपुर में सरोवर में डूब रहे युवक की एक दिव्यांग युवा ने बचाई जान, मंदिर कमेटी ने जान बचाने वाले युवक को बहादुरी पुरस्कार देने की मांग की। नारागढ़ में एसडीएम परिसर में हेरिटेज सोसाइटी पार्क की नीलामी को लेकर बैठक, एसडीएम ने की बैठक की अध्यक्षता। बिलासपुर के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने का फैसला, एमएस डॉक्टर संजीव वर्मा ने कहा समस्या आने पर करें सीधा संपर्क। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कबाड़ में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर किया काबू। चंबा में फायर सीजन को लेकर वन मंडल ने किया मास्टर प्लान तैयार, इसको लेकर विभाग ने की 4 इंच पर टीमें गठित।